हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक कार में सुशीला। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है हरे धनिए और दही की स्पेशल चटनी। इसके लिए लिया है मैंने हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, पुदीने का पत्ता, करी पत्ता और खूब सारा हरा धनिया। और फिर हम इसमें डालने के लिए लेंगे थोड़ा सा नमक और दही। अब हम इस चटनी को बनाने के लिए एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया, करी पत्ता, पुदीने का पत्ता, हरा मिर्च, 3 कलियां लहसुन की और 2 टुकड़े अदरक के। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और दही। दही हम डालेंगे 3 टेबलस्पून। दही की वजह से ना इस चटनी में इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना, मैं क्या ही बताऊं। आप कभी से ट्राई करिएगा, आपको अगर तारीफ ना मिले ना चटनी पे तो फिर बताइएगा। बहुत ही स्पेशल चटनी है, इतना मज़ा आता है ना इसको खाने में कि पूछिए ना। ये मल्टीपर्पज़ चटनी है, जैसे कि हम इसे पराठों के साथ खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ खा सकते हैं या फिर किसी भी तरह के पूरी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये। इसे हमने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप इसे किसी भी टिफ़िन में स्टोर करके 3 से 4 दिन के लिए आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और कलर देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है इसका। अगर आपको मेरी ये हरे धनिया और दही की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। घर पे हरे धनिया और दही की चटनी बनाइए, खाइए और खिलाइए। बाय बाय।